आज की वीडियो में मैं आपके साथ आईलाइनर लगाने की एक ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ, जिसे कि आप एक परफेक्ट आईलाइनर लगा सकते हैं। कीप वॉचिंग। बिलीव इन योरसेल्फ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अंजलि। आईलाइनर लगाना तो सभी को पसंद है और कुछ फीमेल्स आईलाइनर लगाने में परफेक्ट भी होती हैं। और जो फीमेल्स और गर्ल्स अभी लाइनर लगाना सीख रही हैं, उनसे परफेक्ट नहीं लग पाता है। लेकिन जब आप ये लैक्मे का लिक्विड इंस्टा आईलाइनर लगाते हो, तो ये लिक्विड लाइनर बहुत जल्दी ही फैल जाता है, प्रॉपर नहीं लग पाता। लेकिन जो ट्रिक मैंने यूज़ की है, उसके बाद से मुझे लैक्मे का लाइनर सबसे बेस्ट लगने लगा है और लगाते वक्त ये फैलेगा भी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप आईलाइनर लगाएं, तो उसे लगाने से पहले अच्छे से एक बार शेक कर लें, ताकि अंदर बॉटल में ये अच्छे से मिक्स हो जाए, जैसे आप नेल पेंट को शेक करते हैं। उसके बाद जब भी आप लाइनर लगाएं, तो लगाने से पहले आप अपने आई के क्रीज एरिया पर जो भी कॉम्पैक्ट पाउडर आप यूज़ करते हैं, या फिर हल्का सा फाउंडेशन लगा लें। और इससे होगा क्या कि आपके आईज पर या उसके आसपास स्वेटिंग या ऑयल होता है, वो ड्राई हो जाएगा और लाइनर फैलेगा भी नहीं और जल्दी सूख भी जाएगा। अब आप जो भी लिक्विड लाइनर यूज़ करती हैं, तो जब भी आप बोतल को ओपन करते हैं, तो जितना भी एक्स्ट्रा लिक्विड ब्रश पर लगा होता है, उसे अच्छे से बोतल के अंदर साइड पर पोंछ लें। फिर जो बोतल के अंदर साइड्स पर जो लिक्विड लगा है, वहाँ से आप थोड़ा थोड़ा सा लिक्विड लेकर उसे लाइनर लगाना आप स्टार्ट करें। और अब मैं इसे लगाना स्टार्ट करूंगी। तो सबसे पहले मैं आई के इस एरिया पर एक छोटी सी विंग क्रिएट करूंगी। इस तरह से आपको एक छोटी सी तिरछी लाइन डालनी है। अब हम इसे अंदर की ओर लाते हुए वी शेप दे देंगे। इसे आप बहुत ही हल्का सा फिल कर लीजिए। अब पहले ऊपर से एक पतली लाइन बनाते हुए पीछे की ओर वी शेप की तरफ ले जाऊंगी, इस तरह से। अब आप फिर से थोड़ा सा ब्रश पर लिक्विड लेकर उस लाइन को डार्क करते हुए एक कोट और लगा लीजिए। अब लाइन को कितना मोटा या कितना पतला रखना है, ये आपकी चॉइस है, लेकिन मैं थोड़ा सा मोटा लाइनर लगाना ही पसंद करती हूँ। और अब मैं फाइनली लास्ट कोट अप्लाई कर रही हूँ, जिससे ये दिखने में डार्क और ब्रॉड लगेगा। एक्चुअली लाइनर की जो ऊपर की लाइन होती है, वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, इस तरह से। आप चाहें तो इस लाइन को आप अपने अकॉर्डिंग मोटा या पतला कर सकते हैं। अब अगर आईज को आप थोड़ा और ब्रॉड दिखाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा लिक्विड और लेकर आप अपनी लोअर लैश लाइन पर एक पतली सी लाइन क्रिएट कीजिए। और अब लैक्मे आइकॉनिक काजल से लोअर लाइन को अंदर से मैं फिल कर दूंगी। और आपके पास जो काजल है, आप उसे यूज कर सकते हैं। सो फाइनली ये कंप्लीट हो गया है हमारा पार्टी आईलाइनर लुक। सो ये मेरा फेवरेट लुक है किसी पार्टी या किसी फंक्शन पर जाने के लिए। और सेकंड है हमारा बेसिक आईलाइनर। जैसे आप अपने ऑफिस जाते हैं या किसी मार्केट जाते हैं, तो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें क्या करना है, आप थोड़ा सा लिक्विड लेकर अपने अपर लैश लाइन पर एक पतली सी लाइन क्रिएट कर दीजिए। लाइन को कितना मोटा या पतला रखना है, ये आपकी चॉइस है। अब बॉटल से थोड़ा सा और लिक्विड लेकर आप फाइनली लास्ट कोट अप्लाई कर लीजिए। सो ये है हमारा बेसिक एंड सिंपल आईलाइनर, और एक है पार्टी लुक आईलाइनर। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा कौन सा लुक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।
मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।